जिस प्रोफेशन में मैं हूं उसे उस पर लेक्चर की जरूरत ही नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रोफेशन में अगर जरूरत है तो पैशन की जरूरत है, शिद्दत की जरूरत है और थोड़ी बहुत तकदीर की जरूरत है, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं काफी कुछ तकदीर की भी जरूरत है। देखिए आपके अंदर जो एक्टर है कोई बाहर आ सकता है, आपके अंदर कोई जबरदस्ती एक्टर भर नहीं सकता। काम एक ऐसी चीज है कि जो भी आए ना उसे पकड़ो, इसे तो सामने लगा हुआ, सबसे पहले इससे दोस्ती करो क्योंकि सेट के ऊपर आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका कैमरा है। जिस दिन आप इससे प्यार करेंगे और इज्जत देंगे उसे, उतना ही प्यार ये आपसे करेगा, उतनी ही इज्जत आपको दे देगा। तो इससे रिश्ता बांधो यार। I realize that acting is not about expressions, it's about the voice you use. It is your voice. अगर मैं सब कुछ एक flat note पे बोलूंगी तो बहुत flat लगेगा, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे करके बोलूंगी तो बहुत मजा आएगा। So I started watching अमिताभ बच्चन now, not earlier. मुझे बहुत मजा आया एंड दीज आर द थिंग्स यू गाइज़ आर लर्निंग। मुझे तो ये किसी ने भी नहीं बताया था। In industry, I think everybody is very sweet, everybody is very loving and everybody accepts you. You only have to be talented. I wish that we had facilities like this, you know, that really, really, really train you. I feel still, after 25 years in the industry, I still think I'm not trained enough. So, I think when I go to screen test, for a new role, I get rejected. So, it's better, I feel that what you are doing, just put your hearts and minds to it. Because I really, really feel you are lucky. And who better than Balaji? I mean, you've got such great serials going on right next door. These Balaji actors are so good. उनको पांच पेज डायलॉग दे दो उनको याद है, मुझे चार डायलॉग दो मैं भूल जाऊं। सो आई थिंक इट इज डैम गुड ट्रेनिंग एट दिस, यू नो, जस्ट डू वन टीवी सीरियल एंड आई थिंक यू बिकम, यू विल गेट द ऑस्कर फॉर इट। सो एक्टिंग इज रिएक्टिंग, द टू थिंग्स व्हिच आर रिक्विजिट्स इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर। एनीथिंग यू डू फर्स्ट इज लाइक यू सेड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मींस कि आपको लगे नहीं कि वो परफॉर्मेंस कर रहा है। जहां आपको लगे कि कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, दैट्स नॉट गुड। सेकंड इज इट शुड बी इंटरेस्टिंग। नोबडी वांट्स टू सी अ बोरिंग थिंग। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं बहुत रियलिस्टिक है मगर बोरिंग है तो कौन देखेगा। टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है कि आपने यहां ईमानदारी से काम कर लिया और यहां पे अच्छे एक्टर कहलाए गए तो आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। स्ट्रगलिंग एक्टर और कोई डिमीन करता है ना, सुनने का नहीं, इग्नोर करने का। लो फेजेस विल कम, high phases will come. Such is the nature of the job. It's not a regular job. So certain days and certain months, certain years will be great for you. You think that this is the best life I can have. But certain months, certain years, certain days will not be that good for you. But just remember the good days and just remember that you got to right now take this head on and move on with life. So that's the nature of the job that we are in. Yes. You have joined ICE, make the best use of it. It's one of the best acting institutes we have in probably in India. So I think you're very lucky that you're here. Once the director says action, you have to be in the title. That's it. Iske pehle aap kisi ka khoon kar de, kuch bhi kare, kuch matter nahi karta. Once the shot rolls, you have to roll. You have to roll with the characters. I'm sure if I could be able to. So it's very important to switch on and switch off. Jo gradually aap karte karte aap samajh mein aa jata hai. अब 12 साल बाद मैं बालाजी में शो कर रहा हूँ, मुझे 12 साल लगे उस जर्नी को कवर करने में। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि डू नॉट गिव अप इन लाइफ। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू हैव टू कीप गोइंग। स्टोरीज आर अराउंड यू, characters are around you always. If you think there's a story right here, you can make a future film right here, sitting here. हम हमेशा कहते हैं कि नया टैलेंट चाहिए। अब नया तभी आएगा या कोई
जब कोई नया पर्सपेक्टिव आ रहा तो मुझे लगता है इन्होंने एजुकेशन के लिए एक नया पर्सपेक्टिव लिया है बाय कीपिंग इट दैट द करिकुलम कैन चेंज व्हेनेवर दे फील लाइक एंड कीपिंग इट अपडेटेड सो आई थिंक दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट इट. So, सबसे पहली बात आई वुड टेल यू, नो मैटर व्हाट यू आर चूजिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन और व्हाटएवर फील्ड यू चूज, डू इट फॉर ओनली वन रीजन, डू इट फॉर द लव ऑफ इट. जब तक आपका शो चल रहा है, फिल्म हिट होगी, लोग आपको पहचानते हैं, एक बार वो पर्दे से निकल जाती है लोग आपको भूल जाते हैं. लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट्स द फैक्ट, दैट्स द ट्रुथ. सो सक्सेस वेरी स्मॉल, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, यू नो. सो व्हेन यू स्टार्ट योर लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट योर करियर इन दिस प्रोफेशन, रिमेंबर वन थिंग, यू डू इट फॉर द love of it. Only if you love what you're doing will you find happiness, and that converts into success.